साई सृष्टि उच्च माध्यमिक आवासिक विद्यालय पक्षर् वार्षिक शिक्षा अधिवेशन अनुष्ठित चंडीखोल निकटस्थ साई सृष्टि उच्च माध्यमिक आवासिक विद्यालय पक्षर् वार्षिक शिक्षा अधिवेशन अनुष्ठित होइजैछि। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाव राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त अवसरप्राप्त प्रधान शिक्षक बटकृष्ण ओझा जोगदे छात्र छात्री मैंने देशर भविष्य उत्तम चरित्र गठन एक सुस्थ समाज निर्माण दिगरे सहायक हेबले। सम्मानित अतिथि भाव सोलर स्थित पीटीआई प्रिंसिपाल अशोक कुमार देहुरी जोगदे आज समावेश भल मनीषर आवश्यकता रही छात्र छात्री मानक उत्तम भविष्य निर्माण लगी बहुमूल्य उपदेश प्रदान करते। डॉक्टर विजय कुमार शतपथी कॉलेज प्रिंसिपाल आलोक नारायण मिश्र परिचालना करता बेले सांबादिक समरेन्द्र महाला पौरोहित्य करते। बैठक में ग्रीष्मकालीन शिक्षा अधिवेशन आरंभ हो संपर्क में आलोचना होता आज डे आमर इनागोरेसन डे थी ओरिएंटेशन क्लास रखा जाता नुआ समर कोर्स कर पे आगामी भविष्य केमती कम्फर्टेबल हम से आज बहुत गर्वित जो आम भवन में जोग देते वरिष्ठ शिक्षाविद वरिष्ठ समाजसेवी वरिष्ठ डॉक्टर आ प्रशासनिक अधिकारी मैंने जहाद्वर मो पे आशीर्वाद कले भविष्य दिग्दर्शन देखले आठी आम आगामी दिन में डॉक्टर इंजीनियर गढ़ीबा पिला नीट आउ जे ओयूटी नाइजर पे फ्री ऑफ कॉस्ट रे कोचिंग प्रदान करिया पे मुं प्रतिश्रुतिबद्ध हेले से माने अध्ययन अध्ययन टा पाठ पढ़ा अध्ययन टा गोट तपस्या बोली कहा जाए से माने तपस्या करबा को सदा बळे मन दे पाठ पढ़िबे एवं समाज रे जन जन समाज बदले मणिछि हा पे निरंतर चेष्टा करिबे। समाज सेवाटा हूँ सबसे बड़ गोटे कार्य सेवा कार्य समस्त मन मोड़े समस्त सेवा करें समस्त घर मनीष गढ़ा चेस्ट करेंगे ये कथा मुझे आज उपस्थित अशोक कुमार देहरी निश्चित भाव यहाँ बहुत गोटे बड़ स्टेप जहाँ कि आजिका डेट्रे समस्त पिला भुवनेश्वर से कोचिंग देवाटा संभव नुह बहुत गरीब पिला अच्छा सेमती जदि हम पूरा ओडिशा जाक पिला जाकि भुवनेश्वर पहुँचे गोटे बड़ अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हो तेणु से आम रूराल एरिया को स्प्लिट कराई बहुत बड़ पदक्षेप मुझे धन्यवाद दूँ प्रिंसिपाल महोदय को श्री आलोक बाबू को आउ जो कमिटी मेम्बर अच्छा आम समरेन्द्र बाबू यहाँ बहुत बड़ स्टेप निश्चित भाव में यह आग को पिला आग्रह बढ़ेब एवं पिला विभिन्न प्रकार जो कॉम्पिटेटिव जोटा नीट होगा जेई होगा ये निजक प्रतिपादित करने निश्चित भाव सहायक हे। चंडीखोल ब्रजगोपाल दास का रिपोर्ट एकाम्र न्यूज़।